सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और थ्योरी ऑफ मशीन में जो मैंने टॉपिक चूज किया है आज का, वो है हमारा आपका बेवल गियर। इससे पहले कि जो थ्योरी ऑफ मशीन के मेरे लास्ट के 2 लेक्चर हुए हैं, उसमें हमने जो है आपका स्पर गियर और हेलिकल गियर के बारे में बात किया था, और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे बेवल गियर के बारे में। तो वो दो नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स जिनके थ्रू हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं, उन शाफ्ट पर इस्तेमाल या यूज किए जाने वाले गियर को हम बेवल गियर कहते हैं। तो जो बेवल गियर हैं, अगर हम ऐसे दो शाफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि दोनों शाफ्ट की एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उन शाफ्ट के ऊपर जिन गियर का हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मिट्री गियर। मिट्री गियर हालांकि हमारा बेवल गियर ही है, लेकिन हमने उसको अलग कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहाँ पर दो शाफ्ट के बीच की जो एक्सिस का जो एंगल है अगर 90 डिग्री होता है, तो उन बेवल गियर्स को हम जो है मिट्री गियर कहते हैं। ओके, जो हमारा बेवल गियर होता है वो, उसकी जो अगर आकार की बात करें तो टेपर्ड में होता है, थोड़ा टेपर होता है, और या फिर हम कह सकते हैं उसका जो आकार है वो कोनिकल होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं बेवल गियर के टीथ की। तो वो बेवल गियर जिनके टीथ जो है स्ट्रेट, एकदम सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट बेवल गियर, और वो बेवल गियर जिनके टीथ इंक्लाइन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलिकल बेवल गियर। अब हम बात करेंगे स्क्रू बेवल गियर के बारे में और आपका स्पायरल बेवल गियर के बारे में। अगर हम स्क्रू और स्पायरल बेवल गियर के बारे में बात करें, तो हम इन दो गियरों का इस्तेमाल या यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर जो है हमारी जो है दोनों शाफ्ट जो है नॉन पैरेलल हो, और आपका जो है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग हो, और दोनों शाफ्ट जो है हमारी डिफरेंट प्लेन पर हो, या फिर हम कह सकते हैं वो दो शाफ्ट जो आपका जो है डिफरेंट प्लेन पर हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो और आपका नॉन पैरेलल हो, ऐसी शाफ्ट के बीच में अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो उस जगह पर जो है या उन शाफ्ट के ऊपर जो है हम स्पायरल गियर या फिर हम स्क्रू बेवल गियर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन कि जो बेवल गियर है हम मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जो हमारा ऑटोमोबाइल में है, डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशियल जो हमारा, उसके अंदर हम जो है यूज करते हैं बेवल गियर का, और हमारा जो आपका है मैराइन एप्लीकेशंस हैं उनमें हम यूज करते हैं, हमारे जो आपका टर्बाइंस हैं उनमें हम उसका यूज करते हैं, हमारे जो हैवी मशीनरीज हैं उनके अंदर हम बेवल गियर का यूज करते हैं, जहाँ और आपका जो है लोकोमोटिव्स के अंदर हम जो है आपका बेवल गियर का यूज करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो है आई होप सो मैंने आपको बेवल गियर के बारे में बताया, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।